बबूल कहा तो आम कहां से होए। ये कहावत पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, और वो इसलिए बैठती है क्योंकि कल ही ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ताबड़तोड़ कई अटैक कर दिए, एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, रॉकेट और ड्रोन से हमले कर दिए, और ये टारगेटेड हमला था आतंकी संगठन जैश अल अदर के ठिकानों पर। इस हमले में 3 बच्चियां घायल हुई हैं गंभीर रूप से, जबकि 2 बच्चे की मौत हो गई है। लेकिन जैसा ही अटैक हुआ, पाकिस्तान तिलमिला गया, बौखला गया और आनन-फानन में एक स्टेटमेंट जारी कर दी, और स्टेटमेंट जारी करने के बाद कहा कि ईरान बार बार हमारे एयर स्पेस का वॉयलेशन कर रहा है, बार बार हम पर अटैक कर रहा है और हमारे अटैक में कुछ लोग मारे गए हैं। कम से कम पाकिस्तान, अब की बार तो आपने सच कबूला, क्योंकि जब हिंदुस्तान की ओर से बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी तो सामने से स्टेटमेंट ये आया था कि महज कुछ कौए मारे गए हैं और कुछ पेड़ ही गिरे हैं, कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ है। कम से कम अब की बार तो सच कबूला, अब की बार तो माना कि हाँ ईरान की ओर से अटैक हुआ है, आपके यहाँ कुछ लोग मारे गए हैं। लेकिन किस मुंह से आप बदला लेने की बात कर रहे हैं, किस मुंह से रिटेलिएट करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। आप ये कैसे भूल गए कि वही जैश अल अदर आतंकी संगठन है जिसने ईरान में पिछले 1 साल में ताबड़तोड़ कई इलाकों में अटैक किए, अलग अलग इलाकों में अटैक किए, जिसमें 88 सिविलियंस मारे गए हैं और कई हजार लोग घायल भी हुए हैं। ये कैसे भूल गए आप? और दूसरा पॉइंट तो ये कि आप तो आतंकी संगठन नहीं थे, आपकी ओर से दावा तो ये किया जाता था कि हम आतंक को पनाह नहीं देते हैं। ये कैसे हो गया कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी संगठन की मौजूदगी है? ये तो बहुत गौर करने वाली बात है। लेकिन आप इस बात को माने ना माने, लेकिन जैश अल अदर इस टेररिस्ट आउटफिट ने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो जारी कर दिया है, उससे ये बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तान, आप आतंकवाद को पनाह देते हैं। ये तो रही पाकिस्तान की बात, लेकिन पाकिस्तान को इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है वर्ल्ड वॉर की तरफ, इसका जिक्र हम कर लेंगे। दरअसल ईरान ने 2 दिन पहले ही एयर स्ट्राइक की थी, हमला किया था इराक और सीरिया पर। इराक पर इसलिए अटैक किया क्योंकि ईरान में जब जनरल सुलेमानी की डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, वहां पर जब मजमा लगा हुआ था, जो लोग इकट्ठा हुए थे, उस पर ISIS द्वारा अटैक कर दिया गया था। और ईरान का मानना यह था कि अटैक इराक में मौजूद ISIS के आतंकी ठिकानों ने ही करवाया है, और इसीलिए उन आतंकी ठिकानों पर ईरान की ओर से अटैक किया गया। जबकि दूसरा अटैक किया गया था सीरिया में, और सीरिया में इसलिए अटैक किया गया था क्योंकि मानना यह था कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसकी मौजूदगी वहां पर है, उसकी जो एजेंट है वो वहां पर मौजूद है और वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। ये 2 जगहों पर अटैक किया गया। अब समझिए इस बात को कि मिडिल ईस्ट में पहले ही बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले यमन का जिक्र करेंगे। यमन के चाहे हूती विद्रोही हो, या फिर गाजा में हमास हो, या फिर पैलेस्टाइन में, फिलिस्तीन में हिजबुल्ला हो, इन सबकी जो चाबी है वो ईरान के पास है। और ऐसे में अब अमेरिका, जो सुपर पावर कंट्रीज है, वो डरी हुई है क्योंकि उन्हें खतरा सता रहा है वर्ल्ड वॉर होने का। और ऐसे में इस वर्ल्ड वॉर से कैसे निपटा जाएगा, इस बात का उन्हें लगातार डर सताने लगा है। और क्योंकि पाकिस्तान को तो अमेरिका हमेशा से प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है, पाकिस्तान ने हमेशा से ही अमेरिका की रहनुमाई की है, पाकिस्तान मदद देता रहा है, और ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल भी करता रहा है। चाहे अफगानिस्तान में एयर स्पेस का इस्तेमाल करना हो, एयर स्पेस पाकिस्तान का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में अटैक करना हो, पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना हो, क्या अब की बार भी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन रहा है? ये बड़ा सवाल है। क्या जो मिडिल ईस्ट है वो वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है? ये भी एक सवाल है। लेकिन इस बीच आपको ये भी पता, ये बड़ा दिलचस्प है, दिलचस्प ये है कि इस अटैक के ठीक 12 घंटे पहले पाकिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और ईरान के विदेश मंत्री साथ में बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, चाय पर चर्चा हो रही थी, और 12 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है। ये कैसे रिश्ते हैं? जिस थाली में आप लोग खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, और फिर बात रहनुमाई की करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये जो गलती करी है, ये उसे भारी पड़ने वाली है।